हेलो लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन सब की रीडिंग करेंगे, जो 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ एक्सेप्ट हो रही है उनके लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सके और अपनी रीडिंग देख सके। तो चलिए चल लेते हैं, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं। और हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, इसके बाद हम एक जनरल गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं। ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लग रहा है कि आजकल आप काफी टेंशन में है। लिब्रा, लग रहा है कि आप आजकल काफी टेंशन में हैं, आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी परेशान हैं। किसी न किसी चीज को लेकर आप फिजिकली अपनी सेहत को खराब कर चुके हैं, जो या फिर हो सकता है कि जो लोग बीमार हैं वो इतना ज़्यादा बीमार नहीं है जितना वो दिमाग में उन्होंने बैठा लिया है कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आप एक दोराहे पर खड़े हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई मंजिल नहीं मिल रही है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। हो सकता है कि आपको जिस या आपको अपनी बीमारी का पता ही ना चल रहा हो, तो आपको इसके लिए एक रास्ता चुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठहरिए, रुकिए, सोचिए, समझिए, कोशिश कीजिए, अपनी आंखों से पट्टी खोलिए और फिर आप एक मंजिल तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है। तो उसके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए और अच्छे से इलाज करवाइए। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आप कभी इधर कभी उधर ऐसे ही भटकते रहे तो आप अपनी बीमारी से निजात नहीं पा सकते, क्योंकि आप लग रहा है कि कहीं दाएं बाएं घूम रहे हैं, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। और जो लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं, उनको भी अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है और समय रहते थोड़ा अपने आप को, अपनी बीमारी को क्लियर करने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ उस बीमारी को जानिए, पहचानिए, एक रास्ता चूज कीजिए और तभी आगे बढ़िए। तो ये हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, आप दिल से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, हो सकता है कि आपके कंधों में दर्द हो, हो सकता है कि आपको जो हार्ट है उसमें पंपिंग वगैरह कम हो रही हो, या मतलब कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड आपको पास्ट में हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन जब तक आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे, समय पर दवाइयाँ नहीं लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो आप कैसे ठीक होंगे। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा सुबह पार्क में टहलिए, नंगे पैर टहलिए, घास पर टहलिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए और लोगों से बात कीजिए, अपनी आंखों से पट्टी खोलिए, सबसे घुलिए मिलिए, बातें कीजिए और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके वेल्थ के लिए आया है। अगर आप फाइनेंस में हैं या किसी जॉब या बिजनेस में हैं
तो ये काफ़ी आप इसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, अगर आप बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर या उनके साथ काम करते हैं या किसी अपने रिश्तेदार के साथ जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, या ग्रुप में काम करते हैं, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो इस काम में पहले ही इन्वॉल्व हो, पहले ही ये काम करता हो, तो उनके साथ मिलकर भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप फैमिली के सपोर्ट के साथ, बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा के साथ, उनके प्यार आशीर्वाद के साथ अगर आप ये फाइनेंस में जाते हैं, बिजनेस या जॉब में जाते हैं, वेल्थ से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति भी इसमें मिलने के कुछ ना कुछ आसार हो सकते हैं, जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, जो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें पैतृक संपत्ति भी मिले। तो ये इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है, काफ़ी लग रहा है कि वेल्थ वाइज आपके दिन काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स आप काफ़ी बड़ी परेशानी में हैं, काफ़ी बड़ी दुविधा में हैं। आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप दुखी हैं, क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। आप इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो परेशानी है वो शायद आपने खुद बढ़ा रखी है। आपने अपने आप को बांधा हुआ है, अपने आँखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं। तो आपको अपनी आँखों से पट्टी खोलने की ज़रूरत है। आपको खुद अपनी परेशानी और दिक्कतों का हल ढूंढना पड़ेगा, कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल लेते हैं अपने आप को, जो आपने दिक्कतें क्रिएट की हैं उससे अगर आप उनका हौसले से उनका सामना कर लेते हैं, अगर आप डट कर पढ़ाई करते हैं, डट कर फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत और एफर्ट लगाते हैं, तो आप धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही दिक्कत में रहे या किसी दूसरे का सहारा ढूंढते रहे, तो आप बिना किसी दूसरे का सहारा ढूंढे अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, फॉर्म वगैरह सबमिट कीजिए और मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कन्फ्यूजन से, परेशानी से, जो मेंटली डिस्टरबेंस आपको हो रही है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे और अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। नहीं तो आप अपनी दिक्कतें और भी बढ़ा सकते हैं। एट ऑफ कप्स, तो जहां आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वहां से आपको हो सकता है कि निकलने की जरूरत है, या वहां लग रहा है कि आपके साथ कोई झगड़ा हो रहा हो, कुछ ऐसा जो आपको ठीक ना लग रहा हो, या जहां आप जॉब कर रहे हैं उनको ठीक ना लग रहा हो, तो वहाँ से अचानक से या तो आपको निकाला जा सकता है या आप खुद निकलने की सोच रहे हैं। ये आपके फायदे के लिए है, वहाँ से लेट गो कीजिए, वहाँ से निकल जाइए। या तो आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं, या तो कम से कम आप वहाँ से ऑफिस चेंज कर सकते हैं या दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हैं शायद वहाँ आपका काम पसंद नहीं आ रहा है या आपको पसंद नहीं आ रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो आपको राज नहीं आ रहा है। तो वहाँ से अपने लिए या दूसरों के भले के लिए या आपके अपनों के भले के लिए आपको अभी के लिए वहाँ से जाने की ज़रूरत है, उस जगह को छोड़ने की ज़रूरत है। आप उस जगह को छोड़ दीजिए, उस नौकरी को छोड़ दीजिए, या कम से कम उस जगह को ज़रूर चेंज कर लीजिए। ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि एक ग्रहण नुमा स्थिति आपकी बनी हुई है। आप काफ़ी हताश हैं, काफ़ी हारे हुए दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इसको छोड़ने की आपको इसमें ज़रूरत है। ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप अभी के लिए रुक जाइए। अगर बिजनेस में हैं तो कुछ दिनों के लिए उसको भी आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इसमें
हो सकता है कि आपके साथ किसी ना किसी की लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, और इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में फिजिकली आप चोट भी खा सकते हैं, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। और अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बिजनेस को में लेकर घाटा उठाए हुए हैं, तो तभी आपका मन परेशान है, या फिर आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आपके मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। तो अभी के लिए एनर्जी आपके साथ नहीं है, प्लीज आप रुकिए, ठहरिए, और जब तक ये एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, कम से कम एक हफ्ते के लिए या अभी फिलहाल के लिए आपको रुकने की इसमें सलाह दी जा रही है। अगर आप हो सके तो आप इन दिनों घर से बाहर भी कम निकलने की कोशिश कीजिए, या लोगों से कम वास्ता रखिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन है में है, परेशानी दिक्कत में है, तो लोगों के साथ आपकी तू-तू में आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई बढ़ सकती है, जो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिलहाल के लिए बिजनेस में पैसा मत लगाइए, आगे मत बढ़ाइए, और अभी आपको अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है, अपने आप को समझाने की जरूरत है। ये सिंगल्स के लिए आया है, तो हो सकता है कि आपको पास्ट में कोई अच्छा रिश्ता या अच्छा पार्टनर मिला हो, जिसको लेकर आप अब पछता रहे हैं, आप दुखी हैं, कंफ्यूजन में हैं, आपको लग रहा है कि आप अपना सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ गंवा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप करवट लेते हैं या पीठ फेर कर देखते हैं, सामने देखते हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, नई मंजिल जरूर मिलेगी, लोग आपका साथ देंगे। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप से कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आगे हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा भी आपके साथ आगे हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि जो रिश्ता आपका टूट चुका है, जो चला गया है, तो अगर आप मुड़कर उनसे बातें करेंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो पार्टनर या वो प्यार आपको दोबारा से मिल सकता है। आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, दुनिया को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप फिर से अपने प्यार मोहब्बत को पा सकते हैं, नहीं तो आप उसको बिल्कुल खो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिलेशन के लिए आया है, तो अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो ये समय का पहिया अभी आपके फेवर में है। ये अभी आप एनर्जी आपके फेवर में है, आप इस रिश्ते को, इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते में ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और ना बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो फ्यूचर में ये जाकर रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और अगर आप इसमें कोई छलावा करेंगे, बेईमानी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो उसका फल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कर्मानुसार फल मिलने का कार्ड है। कि अभी के लिए भले ही आप जीत जाएं, आपको लगे कि आप जीत गए हैं, अपना रिलेशन आगे बढ़ा चुके हैं, और अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया है, ये फिर से घूम कर आएगा और फिर से आप इसमें फंस सकते हैं। तो अभी के लिए जो समय आपके फेवर में चल रहा है, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। द लवर्स ये आपके जनरल गाइडेंस के लिए आया है, तो आपको इसमें डिसीजन लेकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप डिसीजन लेकर, सोच समझ कर, एक दूसरे से बातें करके अगर आप इस काम को करते हैं, और अगर आप ओपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं, तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल एनर्जी के साथ कीजिए, अगर फीमेल हैं तो मेल के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं या सलाह मशवरा लेते हैं, और जो आप में एडिक्शंस हैं, जो छोटी मोटी बुराइयां हैं, किसी में हो सकता है कि अट्रैक्शन की
लत है, किसी में जुआ खेलने की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, इन तरह की आदतें हो सकती हैं, तो उन उन सब से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर उनको बाहर निकाल के उन सब एडिक्शंस को आप छोड़ देते हैं और सामने वाले से मिलकर बातें करते हैं, तो यूनिवर्स ही आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिलती नज़र आ रही हैं, तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। आप अपने काम में, भले ही वो बिजनेस के लिए है, भले ही वो प्यार के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप डिसीजन लीजिए, समय पर मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और समय रहते इसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो आप में वो बुराइयां हैं, खामियां हैं, उनको छोड़ दीजिए, एडिक्शंस छोड़ दीजिए, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।